दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों टाइटैनिक के बारे में आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। हम किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उस असली टाइटैनिक जहाज की बात कर रहे हैं जिस पर फिल्म बनी थी। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे 108 साल हो चुके हैं। आज तक लोगों को नहीं पता कि आखिर उसका मलबा कहाँ है, टाइटैनिक जहाज को आज तक समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को पहली बार यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर दो टुकड़ों में टूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। दोस्तों टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआई समुद्र के अंदर पड़ा रहा। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट ब्लार्ड और उसकी टीम ने खोजा था। दोस्तों यह जहाज जहां डूबा था वहां गुप्त अंधेरा और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।